Good morning, students. In our last lecture, we have started the topic of plant tissues. तो आज हम उसी को continue करेंगे. आज हम study करेंगे meristematic tissues के बारे में. तो बेटा meristematic tissues क्या होते हैं? They are the dividing tissues which are present in growing regions of the plant. क्योंकि plant जो growth करता है वो growing regions में करता है. और growing regions में कौन सी cells मिलेंगे आपको? मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे. जो टर्म मेरिस्टम है बेटा, ये दिया है नागेली सेंटस ने, और इसका ओरिजिन माना जाता है ग्रीक वर्ड मेरिस्टोज या मेराइजिन से. मेरिस्टोज का मतलब होता है डिवाइडेड, और मेराइजिन होता है बेटा टू डिवाइड. अब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कैरेक्टर्स के बारे में. तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है इनके साइज को लेकर के. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत छोटी होती हैं, स्मॉल इन साइज होती हैं. फिर हम बात करें इनकी शेप, तो मे बी स्फेरिकल और पॉलीकोनल, और आइसोडायमेट्रिक होती हैं. कैसी होती हैं? आइसोडायमेट्रिक होती हैं. अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें, तो इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, वो थिन होती है, इलास्टिक होती है, और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. क्योंकि ये एक प्लांट सेल है, तो किसकी सेल वॉल होगी? सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी. ये जो सेल्स होती है ना बेटा, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है. कॉम्पैक्टली पैक्ड का मतलब होता है कि इन सेल्स के बीच में इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, अगर हम इनके न्यूक्लियस की बात करें, तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, क्लियरली विजिबल होता है. प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म जो होता है इनका, वो डेंस होता है. डेंस का मतलब वैसे तो होता है कि वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होंगे, लेकिन इनके अंदर या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या फिर वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. तो हम कह सकते हैं कि इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो काफी एक्टिव होती हैं. क्यों कह रहे हैं कि हम ये एक्टिव होती है? क्योंकि इनके अंदर रेस्पिरेशन रेट जो होता है ना बेटा, वो बहुत हाई होता है. सिंथेटिक एक्टिविटीज भी बहुत हाई होती हैं. दे हैव हाई सिंथेटिक एक्टिविटीज. हालांकि इनके अंदर रिजर्व फूड जो होता है वो लो होता है. लेस अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड होता है, लिटिल क्वांटिटी होती है, लेकिन फूड सप्लाई इज वेरी हाई. इनके केस में जो फूड सप्लाई होती है वो बहुत हाई होती है. तो हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है? बहुत एक्टिव होती है. अगर हम इनके नेचर की बात करें कि ये लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बेटा लिविंग सेल्स हैं. कैसे सेल्स हैं? लिविंग सेल्स. बेटा कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवीजन करती है ना बेटा, तो जो ये नई सेल्स बनाती हैं, इनिशियली वो मेरिस्टम के जैसे ही दिखती हैं, लेकिन बाद में अगर वो डिफरेंशिएशन करती हैं, तो वो एक स्पेशलाइज सेल्स में मॉडिफाई हो सकती है. तो ये तो था बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स के करेक्टर. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं मेनली. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन. तो अगर हम ओरिजिन की बात करें, तो जैसे हमने पहले भी स्टडी किया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम. प्राइमरी मेरिस्टम मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स एम्ब्रियो से अराइज होती हैं. कहां से अराइज होती हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही प्रेजेंट होती हैं. उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं. जबकि सेकेंडरी मेरिस्टम हम किसे कह रहे हैं बेटा? जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनती हैं. कैसे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से कैसे बनेंगी? डी डिफरेंशिएशन से. किसे बनेंगी? डी डिफरेंशिएशन से. ठीक है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टम क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल से ओरिजिनेट हो रही है बेटा, तो इन सेल्स को अगर हम देखें तो ये कंपैरेटिवली स्मॉल साइज की होती हैं,
और आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब जैसे कैरेक्टर हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बता रहे हैं वो कैरेक्टर किसके होते हैं बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के। लेकिन क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टम परमानेंट टिश्यू से अराइज हुआ है तो इसकी जो सेल्स होती है ना दे आर एलोंगेटेड, एलोंगेटेड होते हैं और उनके अंदर सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से अराइज हुए हैं तो इनके अंदर क्या भी प्रेजेंट होगा, सेंट्रल वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो जैसे आपका आगे हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलेरी मेरिस्टम, ये भी प्राइमरी मेरिस्टम के ही एग्जाम्पल है। और जैसा दूसरा एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा है एंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम इन द डाइकॉट स्टेम, जबकि सेकेंडरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल क्या होते हैं बेटा, लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो कंप्लीटली भी सेकेंडरी हो सकता है या पार्टली प्राइमरी पार्टली सेकेंडरी भी हो सकता है। इसके अलावा डाइकोट स्टेम में जैसे हमने पहले स्टडी किया था इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, वो कैसा होता है, सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। कोर के कैम्बियम जो होता है डाइकोट स्टेम में और डाइकोट रूट में वो भी सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो अगर हम लोकेशन की बात करें या फिर उनकी पोजीशन प्लांट बॉडी में उनकी पोजीशन क्या होती है, तो उसके बेसिस पर हम इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलेरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इनके लोकेशन की, लोकेशन क्या है। तो एपिकल मेरिस्टम की लोकेशन की अगर हम बात करें तो एपिकल मेरिस्टम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर लोकेटेड एट द एपेक्स, टिप पार्ट पे प्रेजेंट होंगे। किसका टिप पार्ट, मे बी ये टिप पार्ट हो सकता है शूट का, स्टेम का, या फिर ये पार्ट हो सकता है रूट का। अगर ये शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं बेटा शूट एपिकल मेरिस्टम, और अगर ये रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होगा तो इसको हम बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। अगर इंटर कैलरी मेरिस्टम की लोकेशन की अगर हम बात करें तो इंटर कैलरी मेरिस्टम जो होता है ना बेटा, इट इज द लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम। जब एपिकल मेरिस्टम ग्रो करता है बेटा तो जो उसका पार्ट पीछे छूट जाता है वो क्या बनाता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम बनाता है। ये इंटरमीडिएट पोजिशंस पे होता है, इंटरमीडिएट पोजिशन मीन्स हो सकते हैं ये एट द बेस ऑफ लीफ प्रेजेंट हो, लीफ के बेस पे प्रेजेंट हो, जैसे कि बेटा पाइनस प्लांट में होता है, या फिर अबव द नोड हो सकता है, अबव द नोड जैसे कि ग्रासेस में होता है बेटा, या फिर बिलो द नोड हो सकता है, कहां पे हो सकता है, बिलो द नोड जैसे कि मिंट प्लांट में होते हैं। डायग्राम में देखें तो ध्यान से देखना, या तो लीफ के बेस पे प्रेजेंट हो सकता है या अबव नोड या बिलो नोड हो सकता है, तो जैसे हमने पढ़ा। अब हम आते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम जो होता है ना बेटा वो रूट और शूट की साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। बेटा ये जो मेरिस्टम होते हैं ये जब डिवीजन करेंगे तो सेल्स को ऐड करेंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन बेटा ये लेटरल मेरिस्टम जब डिवीजन करता है ना तो ये सेल्स को इस तरीके से ऐड करता है, ये देखो। तो इसका मतलब क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम आपको मिलेगा ऑन द साइड्स बोथ इन स्टेम एंड रूट। ठीक है, डाइकोट स्टेम की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, डाइकोट स्टेम की, तो डाइकोट स्टेम में लेटरल मेरिस्टम जो होता है ना बेटा वो पार्टली प्राइमरी होता है और पार्टली कैसा होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है, लेकिन डाइकोट रूट में लेटरल मेरिस्टम टोटली सेकेंडरी होता है। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो क्योंकि एपिकल मेरिस्टम टिप पे प्रेजेंट होता है तो इट इंक्रीज द
लेंथ ऑफ द प्लांट, ये क्या करेगा, प्लांट की लेंथ इंक्रीज करेगा, रूट की स्टेम की इनकी लेंथ को इंक्रीज करता है, एंड इट ऑल्सो प्ले वाइटल रोल इन प्राइमरी ग्रोथ। जबकि अगर हम एंटर कैलरी मेरिस्टम की बात करें बेटा, तो एंटर कैलरी मेरिस्टम जो होता है ये स्पेसिफिक ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, स्पेसिफिक ऑर्गन की लेंथ को बढ़ाता है, और इवन जो लॉस्ड शूट होती हैं उनकी जो अपवर्ड बेंडिंग होती है वो भी एंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से होती है। लेटरल मेरिस्टम की अगर हम बात करें तो लेटरल मेरिस्टम प्लांट की गिर्थ बढ़ाता है, डायमीटर बढ़ाता है बेटा, क्या बढ़ाता है, डायमीटर। और लेटरल मेरिस्टम का प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। एक चीज और देख लो आप लोग कि जो ग्रासेस के अंदर एंटर कैलरी मेरिस्टम अबव द नोड होता है ना बेटा, तो ये ग्रासेस में कैसे हेल्प करता है, जब कैटल ग्रेजिंग करते हैं तो उनका जो पार्ट रिमूव हो जाता है उस पार्ट को रीजनरेट कौन करेगा बेटा, एंटर कैलरी मेरिस्टम, कौन करेगा, एंटर कैलरी मेरिस्टम। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना। थैंक यू बेटा।